कहानी 33। एक किसान की कहानी। एक दिन यीशु झील गए किनारे गए कन्ने हो वो लोगां की एक बहुत बड़ी भीड़ ने शिक्षा दे आवा हो। बिना सुनन खातिर इता सारा लोग आया के यीशु कन्ने बां सारा मुंह बात करने का स्थान ना बचियो। ई खातिर वो पानी में खड़ी किश्ती पर चढ़ गयो बैठे बो बैठ गयो और लोगां ने शिक्षा दी। यीशु बाने आ कहानी सुनाई। एक किसान बीज बोण खातिर बारह निकलो। जद वो हाथा मुँह बीजा ने बिखेरे आवा हो तो कुछ बीज मार्ग पर गिरे हो पर पक्षियां आगे बां सारा बीजा ने खा लियो। दूसरा बीज पथरीली जमीन पर गिरा जठे बहुत कम मिट्टी ही। पथरीली जमीन पर गिरा बीज बहुत जल्दी अंकुरित होया पर बांगी जड़ा जमीन में गहराई में जान में सक्षम कोनी ही। जद सूरज निकलो और गर्मी होई तो बे पौधा मुरझा गया और मर गया। तो भी दूसरा बीज झाड़ियां के बीच में गिरा। बां बीजा बढ़नो आरंभ करियो पर कांटा बाने दबा दियो। ई खातिर कांटेदार जमीन पर गिरा बीजा मुंह निकलिया पौधा मुंह कोई भी अनाज उत्पन्न ना कर पायो। दूसरा बीज अच्छी जमीन पर गिरा बे बीज बढ़िया और जीता बीज बोए गया हा बामू 30, 60 और 8 ताई के 100 गुना अनाज उत्पन्न करियो। जिको कोई भी परमेश्वर के पीछे चालनो चावे है वो भी बात पर ध्यान देवे जिको मैं के आऊं हूं। ई कहानी चेला ने उलझन में डाल दियो। ई खातिर यीशु व्याख्या करी वो बीज परमेश्वर को वचन है। वो मार्ग पर इसो आदमी है जिको परमेश्वर के वचन ने सुने है पर बिना समझे कोनी। फिर शैतान बिंगे कनु वचन ने चुरा ले जावे है अर्थात शैतान बिना वचन समझन मुंह दूर रखे है। बा पथरीली जमीन इसो आदमी है जिको परमेश्वर को वचन सुना है और आनंद मुंह बिना स्वीकार कर लिया है पर जद मुश्किल समय आवे है या जद अन्य लोग बिना सतावे है तो वो परमेश्वर मुंह दूर चले जावे है अर्थात वो परमेश्वर पर भरोसा करनो बंद कर देवे है। वो कांटेदार जमीन आलो इसो आदमी है जिको परमेश्वर को वचन ने सुने है पर वो बहुत सारी बातां खातिर चिंता करनी शुरू कर देवे है और वो बहुत सारो धन कमाण की कोशिश करे है और वो बहुत सारी चीजा ने पाण की कोशिश करे है। थोड़ा समय के बाद अब वो परमेश्वर सागे प्रेम करन में सक्षम कोनी है। ई खातिर जिको बने परमेश्वर के वचन ने सीख्यो हो वो बने परमेश्वर ने खुश करन में सक्षम कोनी करे है। वो गेहूं की गांठ गए समान है जिकी कोई अनाज पैदा कोनी करे है पर अच्छी जमीन वो आदमी है जिको परमेश्वर के वचन ने सुना है बिंगा पर विश्वास करे है और फल पैदा करे है।